से 16 अक्टूबर तक सब कुछ ठप होने वाला है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अधिकतर सुविधाएं बंद करने की तैयारी है। लिहाजा चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान सेफ नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO सबमिट होने जा रहा है, तो चाइना ने अपने लोगों को मना नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान SCO सबमिट होस्ट नहीं करवा सकता, लिहाजा आप अपने अपने लोगों को पाकिस्तान में SCO सबमिट के लिए ना भेजें। क्लैरिफिकेशन दें, इसकी हमें क्लैरिफिकेशन दें। अब क्योंकि मिनिस्टर साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया है नेबरिंग कंट्री, हमसाया मुल्क, अब हमसाये में कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है। पाकिस्तान में जो भी ये हालात हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं, गुर्बत परेशानी है, इसका जिम्मेदार हम लोग पब्लिक हैं, हमारे हुक्मरान हैं, अमेरिका जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, चाइना जिम्मेदार है। मगर मेरा ख्याल है ये आप SCO में देखिएगा, ये मौकफ अपना तकड़ा ही रखेंगे, यहाँ कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा इंडिया, या जब हम है तो और कोई नहीं, और हम नहीं मानते, कोई चीज नहीं मानते हम। अच्छा। देखिए ना, नॉर्मल पॉलिटिक्स में तो ये होता है, गिव एंड टेक होती है। पहली बात तो ये करूंगा कि अगर इंडिया करता है तो हम इंडिया को रोकते क्यों नहीं है? हाँ, सवाल है। ठीक है, क्यों नहीं हम इंडिया को रोक पाते? हाँ, मतलब ये एक सवाल है। हम अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल क्यों नहीं करते कि जी मेरी बात सुने, देखें आप इंडिया जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो ऑलरेडी चाहता है कि SCO की जो कॉन्फ्रेंस है वो खराब हो। अब ये चीजें जो है, ये इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। दाइश जैसा परचम उठाकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं खिलाफत के लिए, तो खिलाफत वाकई क्या लाना चाहते हैं आप? अगर हमारा मुल्क सेफ ही नहीं होगा तो हमारे लोग कैसे हमारे मुल्क में आएंगे? और हमने चाइना को जो ये दो डेड बॉडीज का तोहफा दिया है, उसके बाद चाइना ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है भाई ये मुल्क इस काबिल ही नहीं है कि SCO सबमिट करा सके, लिहाजा अपने बंदों को ना भेजे। अगर ऐसा ही हो तो ये ना हो कि भाई जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है वो टूर ही कैंसिल कर दें अपना विजिट की, यार यहाँ पे तो सिक्योरिटी रीजन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। SCO मीटिंग 15 अक्टूबर से पाकिस्तान में होने वाला है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए जयशंकर भी शामिल होंगे। ऐसे में पाकिस्तान अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है और बोल रहा है कि अब भारत से अच्छे संबंध हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही इमरान खान की पार्टी PTI ने पिछली बार की तरह मास लेवल का प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। इससे पहले इमरान खान की पार्टी PTI ने SCO मीटिंग के दौरान ऐसा ही प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से चीन ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया था। अब पाकिस्तान को फिर से डर सता रहा है, क्योंकि इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं। SCO मीटिंग के दौरान अगर कुछ गलत हो जाता है तो पाकिस्तान की इससे दुनिया भर में बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। पाकिस्तान में हो रहे प्रोटेस्ट का इल्जाम पाकिस्तान ने भारत पर लगा दिया है, और पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में SCO समिट हो। हालांकि इस बयान पर पाक मीडिया ने अपनी गवर्नमेंट को खुद लताड़ दिया है और बोल रहा है कि हर चीज के पीछे भारत कैसे हो सकता है। 2 से 3 दिन बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में SCO की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें चाइना, जिसमें रशिया, इवन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगर यही सिचुएशन रही कि कुछ दिन पहले चाइनीज के ऊपर अटैक, अब बलोचिस्तान में अटैक, अगर यही सिचुएशन रही तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अपना विजिट ही कैंसिल कर दे इस लॉजिक के साथ कि भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है? अगर ऐसा होता है तो इतना बड़ा इवेंट, SCO जैसा इवेंट, जो कि 8-10 साल बाद पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट जो है वो होस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान में जो भी ये हालात हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं, गुर्बत परेशानी है, इसका जिम्मेदार हम लोग पब्लिक हैं, हमारे हुक्मरान हैं, अमेरिका जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, चाइना जिम्मेदार है। तो बड़ा इवेंट है खास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से आइसोलेट होता नजर आ रहा है, दुनिया से कटता नजर आ रहा है, ऐसे टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे थे, खबरें ये आ रहे हैं, लेकिन अब बलोचिस्तान में अटैक हुआ है, हमला हुआ है, 20 से ज्यादा बच्चों की जानें चली गई हैं। इससे पहले चाइनीज पे अटैक हो गया, कि अगर ऐसा ही हो तो ये ना हो कि भाई जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो टूर ही कैंसिल कर दें अपना विजिट की, यार यहाँ पे तो सिक्योरिटी रीजन ऐसा, है ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। पाकिस्तान के तमाम अदारों को, तमाम कौमों को पता है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो बलोचिस्तान पे हमला होता है। तो ये क्या वजह है? के पे होता है जाकर, वजह यही है कि वहाँ की जो हुकूमत है वो कमजोर है। ऐसे ये अटैक कौन करवाता होगा, क्या वजह है? मुख्तलिफ ममालिक हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, जैसे कि हमारे मशरक से और मगरब से दोनों तरफ हमें खतरा है। मशरक से और मगरब से मतलब कि हमारे एक तरफ इंडिया है, अच्छा उससे खतरा है, उससे भी खतरा, अच्छा है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से भी खतरा है, अफगानिस्तान से भी खतरा है। इंडिया से एक में पहले नंबर पे मैं इस चीज को नहीं मानता, खतरा हमें शायद खुद से है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज नहीं बेहतर कर रहे, अपनी सिक्योरिटी को नहीं बेहतर कर रहे, तो हम के खतरा हमें इंडिया से है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लिया इंडिया से खतरा है, दुश्मन है, ये है वो है,
अफगानिस्तान से किस चीज का खतरा है? अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ ही है तकरीबन। अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया के साथ है। हमने कभी भी अफगानिस्तान को इमरान खान के बाद किसी ने भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो उनको देनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक है वो, ठीक है, हमें चाहिए कि उनके साथ मिलकर चलना, उनके साथ बैठना। लेकिन इसका आपकी बातों का मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया अफगानिस्तान को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसलिए दे रहा है, और सारे ममालिक उसको रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं देता। अच्छा, इंडिया को या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान। क्या वजह है? वो भी इस्लामिक कंट्री, ये है कि वो इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री है जो, लेकिन हमारे हुक्मरान है ना वो इस्लाम से दूर दूर है। अच्छा, हुक्मरान इस्लाम से दूर है लेकिन इल्जाम हम इंडिया पे लगा देंगे। जी, मैं पहली बात तो ये करूँगा कि अगर इंडिया करता है तो हम इंडिया को रोकते क्यों नहीं है? हाँ, सवाल है। ठीक है, क्यों नहीं हम इंडिया को रोक पाते? हाँ, मतलब ये एक सवाल है। हम अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल क्यों नहीं करते कि जी मेरी बात सुने, देखें आप इंडिया जा सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं जा सकते। अच्छा, देखें तो इंडिया वाले यहाँ पे आगे हमले कर सकते कैसे? अगर अगर ये लॉजिकल बात है तो इंडिया वाले कैसे आ जाते हैं? देखें, बात ये है कि जी हमारी हुकूमत को चाहिए ना ये सब कुछ करना। बस यही बात है ना, देखें हमारा ये काम है, हमसे मुजरिम नहीं पकड़ा गया जी, अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें, इंडिया इन्वॉल्व है। यार देखें, अगर इन्वॉल्व है तो उनको पकड़े। हाँ ठीक है, या फिर इल्जाम ना लगाएं। देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये भाई मेरे साथ मुल्क में कोई हरकत हुई है, हरकत होती है मेरे घर में, मैं हमसायों पे इल्जाम लगा देता हूँ, मैं अपने घर को सवारूं यार, ये चीज है, मैं अपने घर को ठीक करूं, पहले तो हम अपने गिलेबान में झांक लेना, फिर हम अगले को बात करें। फिर इंडिया पे इल्जाम भी ना लगाए, ठीक है आप? इंडिया टोटल हम पे इसलिए करता है कि वो चाहता है कि ये बिखर जाए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे। पाकिस्तान बिखर जाए, पंजाब ऑलरेडी पाकिस्तान में यूनिटी है। पाकिस्तान पाकिस्तान बिखरने की बात नहीं है, ठीक है, इंडिया हमारे खिलाफ चल रहा है या नहीं चल रहा वो तो कम्युनिटी हमारे जो है ना लीडर्स जानते हैं, ठीक है, वो उनको बेटर पता है कि वो चल रहा है हमारे खिलाफ नहीं चल रहा, वो हम पे हमले कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसी टाइम हम पता लगवा लेते हैं कि हमारे खिलाफ कौन हमले कर रहा है। ये हमला हुआ है अभी, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया है, ठीक है, हुआ तो पाकिस्तान के अंदर ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे घर के अंदर हुआ है। कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो ऑलरेडी चाहता है कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है वो खराब हो। अब ये चीजें जो हैं, ये इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि जी ये हमसाया मुल्क कौन सा है जिसकी मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दें, इसकी हमें क्लैरिफिकेशन दें। अब क्योंकि मिनिस्टर साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया है नेबरिंग कंट्री, हमसाया मुल्क, अब हमसाया में कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, ईरान है, ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ये प्रोटेस्ट इंटरनल प्रोटेस्ट है, अब इमरान खान का ताल्लुक क्या बीजेपी से तो नहीं है कि बीजेपी से है, या इमरान खान को डॉक्टर जयशंकर के कोई दोस्त थोड़े ही है, या मोदी साहब के सांगी थोड़े ही है, वो तो इंटरनल मसला है। लेकिन क्योंकि मिनिस्टर ने कह दिया कि हमसाया मुल्क, तो इससे वो देखिए हमसाया मुल्क और तरीकों से आपके साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन ये कह देना कि जी हमसाया मुल्क पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, अब इंडियन मीडिया को मौका मिल गया, वो कहता जी क्लैरिफिकेशन दें, अब हुकूमत नहीं इन बातों पर क्लैरिफिकेशन मांग सकती ना। अच्छा, दूसरे लेंस से अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि इंडिया टाइम एंड अगेन पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया मेन पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ना आना इज़ वन ऑफ द थिंग, अमूमन पाकिस्तान के जो ग्लोबली अगर जब पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होता है तो ना होने देना। सो इंडिया की एक कोशिश ज़रूर है कि हम क्यों पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम होने दें, वाई वी शुड गो विजिट पाकिस्तान, इससे तो पाकिस्तान की एक नॉर्मल आउटलुक नज़र आएगी। देखिए आपका जो एडवर्सरी है उस एडवर्सरी ने आपके लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो एट द मोमेंट उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन पेंट की जाए दुनिया के अंदर कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते, सो दिस कंट्री इज नॉट वेयर वी आर गोइंग टू डील विद इट।